भाई तुम निंजा 300 और जेरी हो, हाथ छोड़ने का मतलब समझ लो ना, हैंडल सब नहीं। हाँ तो इस स्टेज पे नहीं जाना, ये नहीं दिखाना भाई, ये नहीं करने। सो भाई आज चमत्कार हो चुका है भाई, भाई आज चमत्कार हो गया यार। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे आंखों से आंसू आ रही है, खुशी का मैं इजहार कैसे करूँ, ये चमत्कार हो गया। ये देखिए इसे टॉयलेट लगा हुआ है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग, इट्स बिहारी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। भाई जब भी मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ या घर पे रहता हूँ ना, ये ऊपर से जो डॉगी का भोंकने का आवाज है वो जरूर आ जाता है। तो गाइज यहाँ पे देख लो हमारे साथ राज, और आज बहुत टाइम के बाद मतलब प्रॉपर बैग्स के साथ एंड शूज वगैरह पहन के हम लोग निकल रहे हैं राइड पे। और बहुत टाइम के बाद मैं राइड करने जा रहा हूँ भाई। जेरी ऑलमोस्ट एक वीक से पड़ी हुई थी घर पे और मैं इसे चला भी नहीं पा रहा था भाई। साथ में देख लो कितनी प्यारी लग रही है, ये राज की जो R15 है। और भाई ये देख लो क्या भाई चमका के लेके आया है। हो भाई साहब नया स्टिकरिंग कराया क्या अलग से? इधर भी यार। अच्छा तो ये कुछ नया इसने करा रखा है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि मतलब ये देख लो ये खुद से डिजाइन किया लगता है। और ये बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब थोड़ा ध्यान से देखने में अभी भाई समझ में आया कि ये अलग से करा रखा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। छोटी छोटी मॉडिफिकेशन भी बहुत अच्छी लगती है। साथ में इधर रही अपनी जेरी जो कि बहुत टाइम के बाद देख रहे हो, और सामने रहा अपना नेक्सॉन भाई 6969। तो भाई चलो अब फटाफट राइड को स्टार्ट करते हैं क्योंकि देख लो भाई ऑलरेडी अंधेरा होने जा रहा है और हम लोग थोड़े लेट हो चुके हैं। और लेट होने के पीछे रीजन भी देख लो भाई, इतना पसीना आ रहा है ना, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मतलब दोपहर में निकल पा रहे तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भी मोटर ब्लॉगिंग के लिए गाइस, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो शाम में हम लोगों ने प्लान किया कि शाम में ही निकलेंगे। और भाई यहाँ से पहला स्टॉपेज फिर से सिसिर का घर होने वाला है, तो पहले फ्यूल लेंगे उसके बाद सिसिर के घर पे जाएंगे। तो भाई कुछ नहीं करते, पहले बाइक को कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट। इसका इग्निशन तो मैंने डाल रखा है बट न्यूट्रल पे नहीं है, पहले से न्यूट्रल कर देते हैं। एंड ऑलमोस्ट एक वीक के बाद भाई ये स्टार्ट होने जा रही है, देखते हैं एक बार में स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो भाई यहाँ पे जेरी स्टार्ट हो चुकी है एंड इसे कोल्ड स्टार्ट करके हम लोग निकलते हैं और भाई मिलते हैं सीधे कहाँ, गोप्रो पे। सो गाइस चलो निकला जाए क्योंकि भाई देख लो अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, तो ग्लव्स पहनते हैं और निकलते हैं। साथ ही साथ मैंने सिसिर को भी कॉल कर दिया कि भाई आ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास फ्यूल अप कराना है, फ्यूल अप करा के पहुँचते हैं आपके पास। क्योंकि भाई इसके अंदर अभी देख लो फ्यूल के जो दो कांटे वो तो नज़र आ रहे हैं, बट भाई ये देखना अभी सीधा करेंगे बाइक तो ये भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये ब्लिंक कर रही थी लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है। तो भाई बहुत टाइम के बाद ग्लव्स के साथ चल रहे हैं, प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भाई पसीना भी आने वाला। मम्मी इधर खड़ी क्या, जल गया? मम्मी बता रही थी कि जो लाइट है वो एक साइड का जल रहा है भाई, अपर डीपर है। मम्मी को लगा एक साइड का क्यों नहीं जल रहा, तो दिखा दिया ऑन करके कि भाई देख लो दोनों काम कर रहा है। तो निकलते हैं घर से और आज भाई राइड एंजॉय करने वाला हूँ बहुत दिनों के बाद। मतलब समझ सकते हो ना यार, जिस चीज़ से प्यार है वो करने को नहीं मिले एक वीक तक तो मैटर करता है। तो भाई भूखे शेर की तरह निकले हैं आज, थोड़ा राइड करेंगे जम के। और क्या बोला था मैंने, देख लो यहाँ पे ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। तो भाई चलो सीधे पहले चलते हैं फ्यूल स्टेशन, इसकी पेट को भरते हैं क्योंकि इसकी पेट है खाली और ये भाई बहुत खाती है एंड पीती है पेट्रोल, तो इसे पिलाते हैं पेट्रोल और इसे फिर लेके निकलेंगे कहाँ, राइड पे। सो लेट्स गो गाइज, मिलते हैं आप सीधे कहाँ, पेट्रोल पंप पे। सो गाइज फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप पहुँच गए, पीछे थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था इस कारण थोड़ा टाइम लगाया। फाइनली वी आर एट पेट्रोल पंप और भाई इसकी पेट को करते हैं हम लोग फुल और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। परफॉर्मेंस पे भाई अभी देखते हैं कि भाई कितना का पक्का लगने वाला है। भाई 12 लीटर फाइनली देख लो, ट्राई कलर भी सामने है और भाई ये वाला सीन मतलब इस तरीके से इवनिंग इंजॉय भाई बहुत टाइम के बाद हो रही है। आप लोगों को लग रहा होगा मतलब क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है यार, बट क्या बताऊँ यार, अभी अंदर का एक्साइटमेंट लेवल अलग लेवल पे है यार। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, मतलब क्या बोलूँ यार, एक वीक समझ सकते हो जिस चीज़ से आप इतना प्यार करते हो राइडिंग से, उससे आपको दूर कर दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि जाओ भाई चलाओ अपनी ज़िंदगी जियो, तो भाई वैसा वाला फील हो रहा है। मतलब लगता है ना कि मतलब कुछ आज़ादी टाइप की मिल गई हो, वैसा फील हो रहा है। और भाई जोश जोश में भी मैं हाथ छोड़ने वाला था हैंडल से। भाई तुम निंजा 300 और जेरी हो, हाथ छोड़ने का मतलब समझ लो ना, हैंडल फबलिंग। हाँ तो इस फेज पे नहीं जाना, ये नहीं दिखाना भाई, ये नहीं करने का, क्योंकि टायर तो अभी तक मैंने चेंज भी नहीं कराया एंड मैं आपको बताने वाला भी था, मैंने बोला भी था अपने वीडियोज़ के अंदर में
कि भाई इसका एक तरीका है जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, तो वो तरीका मैं रिवील कर देता हूँ। मैं सोचा था वैसा करके दिखा दूंगा तब मैं बताऊँगा, बट होता क्या है गाइस कि जो टायर्स आती हैं इसकी MRF वाली वो कंपनी फिटेड होती है और प्रॉब्लम्स वहीं से आ रही है, मतलब जो कंपनी के साथ फिटेड टायर आ रहा है ना उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सारी निंजा में ये प्रॉब्लम है 300 के अंदर में। और भाई यहाँ पे क्या बात हुई थी, मेरी कंपनी में भी बात हुई थी यही कि अगर मैं जाऊँगा MRF टायर का जहाँ पे मेन ऑफिस है वहाँ पे मैं इस चीज़ का वीडियो दिखाऊँगा और कंप्लेन करूँगा, तो वो मे भी हमारी जो टायर्स हैं वो चेंज कर देंगे, और टायर चेंज होने के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जा रही है, क्योंकि आपके पास आपको पता भी है कि अभी A2 बाइकर जो अपने ZX10R लिए हैं उनके पास भी अभी भी निंजा 300 है, और जब वो निंजा 300 ओन कर रहे थे तब भी ये प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने टायर्स जो है वो चेंज करा लिए थे तब से उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई थी। भाई हम लोगों ने 2 साल इसे राइड कर लिया है, ऑलमोस्ट 2 साल हम लोगों ने इसे चला लिया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इधर कुछ हुआ है क्या यार, पूरे राइट साइड में पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है और लोग बीच बीच में ऐसे रुके हुए हैं, अब पता नहीं, रुक तो सकते नहीं हैं, चलते हैं। तो भाई सीन यही है कि अगर आपको अभी आपकी गाड़ी वारंटी में 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर ली हुई है तो भाई मस्ट एकदम जाओ जहाँ भी आपका MRF का नज़दीकी जो ऑफिस है मेन ऑफिस है वहाँ पे जाइए, अपनी वीडियोस एक बना लीजिए छोटी सी, दिखा दीजिए किस तरीके से कि आपकी हैंडल जो है फंबल कर रही है, एंड उसके बाद फिर आप क्लेम कर सकते हो, नए टायर्स ले सकते हो। तो भाई एक चीज़ इसे अपना के देखो, अगर ऐसा होता है तो मुझे भी कंफर्मेशन दे देना, बाकी मैं कंफर्म हूँ कि अगर आपको शोरूम से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो वो चेंज हो जाएगा, तो एक बार जाइए इसे करके देखिए, और अगर होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना या मेरे इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका हो जाएगा, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं कंफर्मेशन दे दूंगा, बाकी जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं एंड 300 जो ओन कर रहे होंगे तो वो अपने साथ जाके मतलब उनका भी भला हो जाएगा भाई, वो भी जाके चेंज करवा लेंगे। बाकी अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं भाई, अभी हम लोग पटना जू के पास पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग सीधा अभी कैमरा को कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए ऑफ, और सीधे मिलते हैं भाई कहाँ पे, सिज़र के घर पे, क्योंकि भाई पूरे रास्ते तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों ना लग रहा है कि 2-3 वीडियोस मिला के अगर आप देखोगे तो सिज़र के घर का रास्ता ही मैंने दिखा दिया, तो बहुत लोग भाई उसके घर पे आ जाते हैं कि भैया थोड़ा सरकार की आवाज़ सुना दो, तो ठीक है भाई आपका प्यार है बट सामने वाला बंदा थोड़ा परेशान हो सकता है, तो इसके लिए मैं अभी यहाँ से कैमरा ऑफ करूँगा और सीधे मिलूँगा कहाँ, सिज़र के घर पर। सो भाई आज चमत्कार हो चुका है भाई, भाई आज चमत्कार हो गया यार, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे आंखों से आंसू आ रही है, इस खुशी का मैं इजहार कैसे करूँ, ये चमत्कार हो गया। टॉयलेट ये देखिए, इसे टॉयलेट लगा हुआ है, ये अलग चल रहा है भाई यहाँ पे, ये देखिए दौड़ते हुए जा रहा है भाई, पैंट में नहीं होगा ना भाई, ये चमत्कार हो गया, ये नीचे खड़ा था गाइस ये दोनों साइड से आज चमत्कार हो गया भाई, सीसीड नीचे मिल गया यार, टैंक फुल, अभी अभी जेरी का जो है पेट भरा गया है, इसे खुश किया गया है ताकि ये हमें खुश कर सके। जेरी बहुत साफ लग रही है, आज जेरी को कम्प्लीटली नहाया गया, साफ किया गया है, इतने दिनों के बाद जेरी राइड हो रही है, ये समझ रहे हो, राइड कल होगी, ये कब आ रही है, ये कब आ रही है, जो टी शर्ट पे लिखी हुई है ये कब आ रही है, भाई 1.5 ईयर मोर, उसके बाद हम लोग क्या राइड करेंगे, मेरा वाला नहीं बताना, आपका वाला नहीं, आपका वाला और पहले ही आएगा, मे बी होप सो, रूफ में 2 आएगा S1000 साथ में, एग्जैक्टली एक वो आदमी अभी वहां बैठा हुआ है नहीं बताना अब इस, भाई क्लच दबा दोगे हम पीछे चले जाएंगे, क्या जाते हो। तो गाइस अभी चला गया है राज का, बहुत तेज टॉयलेट आया था, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई कहीं पैंट पे तो नहीं हो गया उसके, आने देते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे मरीन के लिए, थोड़ा देर मरीन में मस्ती करेंगे फिर लौट जाएंगे अपने घर के लिए। राज आ चुका है गाइज यहाँ पे, सो गाइज राज यहाँ पे आ चुका है भाई, टॉयलेट पैंट में तो नहीं हुआ था ना, चेक कर लीजिए, नहीं हुआ ना, हाँ कितना तेज आ गया था, कितना तेज लगा था, पसीना पसीना हो गया भाई, इतना तेज, रोड और खराब था, लग रहा था कि फट जाएगा ब्लैडर पैंट में, नहीं ना होता, नहीं बच गया, देख लेना भाई पानी डाला है कि नहीं, साफ नहीं था, सूखा सूखा था, गीला करके आ गया, पूरा सूखा बाथरूम था, गीला गीला कर दिया, पूरा सूखा सूखा था, सूखा सूखा बाथरूम था, गीला कर दिया, अच्छा मतलब एक बेशरम होता है, एक महाबेशरम होता है, फिर देख लो गाइस कौन आता है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, अंदर आंख दिख रहा तुम्हारा चलो यार निकलते हैं यहाँ से मरीन के लिए, एक बार छोटू आ रहा ऊपर, छोटू से मिल लेते हैं फिर चलेंगे हम लोग मरीन पे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग एक तरीके का अपना जो छोटा सा ट्रैक बोल सकते हैं उस पर आ चुके हैं, और भाई कहाँ आ चुके हैं हम लोग, आ चुके हैं अटल पथ पे, तो भाई राज को बगल में आ जाने देते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग सीधा आगे, भाई साहब बहुत दिनों के बाद गाड़ी खोलने का मौका मिल रहा है यार, मज़ा तो आ रहा है,
बट कंट्रोल में ही चलेंगे। भाई सीसी ने दो बार हाथ मारा, इसका मतलब थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करना है। और भाई ये रहा कास्पा जहाँ से सीसी ने अपना पीपीएफ कराया था। बहुत काम होता है इन द सेंस पीपीएफ होता है भाई। एंड गाइस रियली मतलब इस टाइम पे निकलना भाई, थोड़ा सा मौसम में राहत है क्योंकि धूप नहीं है, वरना यार दिन पे तो चल पाना पॉसिबल नहीं यार, इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है। एंड मैं बता सकता हूँ मतलब पिछले दो तीन दिनों से ऐसा हो रहा है ना कि हवा भी नहीं चल रहा यार। भाई पीछे वाले ने हेलमेट लगा रखा है एंड आगे वाले ने हेलमेट ही नहीं पहना है, यह अलग सिस्टम है। ये देख लो यहाँ पे दिखा रहा हूँ गोपालगंज 137 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 76 एंड छपड़ा 66 एंड हाजीपुर इज 23 किलोमीटर। तो भाई जिसे जाना है वो जा सकते हैं, हमें तो मरीन जाना है, तो ये हमारे काम का नहीं था। भाई हम लोग स्लो क्यों हो गए? नहीं भाई हमें आगे चलना है, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। साउंड जो आ रही है ना यार मुझे सुकून दे रही है, पीछे से चिल्ला रहा है कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है। भाई ये देख लो बच्चे जा रहे हैं अभी मरीन के लिए, क्या एग्जैक्टली सुशील ने पीछे से बता दिया, देख लो भाई सामने पीसीआर वैन है, तो कंट्रोल योर स्पीड, कंट्रोल योर साउंड और आराम से चलना है यहाँ से। भाई हमें जो भाई एंजॉय करना था हमने एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा अब यहाँ से आराम से चलेंगे, अब शाम एंजॉय करेंगे यार। पीछे से इसमें क्या क्या लगी हुई है, इलीगल है इलीगल है करके ये बताए जा रहे हैं। मिस्टर सिसिर जी आज चमत्कार कर चुके हैं यार, ऑलरेडी बाहर गेट पे खड़ा था यार, बताओ ये विश्वास करना है? मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा यार। और यहाँ पे चेकिंग लगी हुई है पूरी, इसलिए थोड़ा आराम से चलेंगे, थोड़े प्यार से चलेंगे। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए सिस्टम हैंग हो गया इनका, विदाउट हेलमेट कट गया चालान। भाई साहब एंजॉय करो मगर ऐसे नहीं, और यहाँ दो हेलमेट जरूरी है। और इनका देखिए इनका अलग सिस्टम है, ये सिंगल हेलमेट में। ओ भाई साहब राम 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 राम। यहाँ भाई यहाँ हर दिन का हो गया यार, मंडे संडे और कुछ नहीं है, यहाँ हर दिन यही सिस्टम है। तो ये नहीं सोचना है कि ये मंडे का है कि संडे का है। भाई ये ट्रैफिक अलग लेवल का रहता है यार मरीन पे, यहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं है यार, थोड़ा आगे चलते हैं। कहाँ पे रुकना है? जहाँ बोलोगे वहाँ रुक जाएंगे। अब नहीं पता, फ़ोन कर लो ना एक बार आकाश भैया को। सो गाइस एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि अपनी टीम कहाँ पे, अगर कोई होगी तो हम लोग वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो इधर ही रुक जाएंगे, एक बार बात कर लेते हैं। अभी हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अपनी जो टीम है इसमें बेसिकली अभी बात हुई है हमारी आकाश भैया से, आकाश भैया अभी मरीन ड्राइव पे ही हैं। तो चलो यार मिलते हैं आकाश भैया से, एंड हम लोग एक बार और मिल चुके हैं यार आफ्टर उनकी ZX-10R डिलीवरी के बाद, बट मैं अभी सेकंड टाइम मिलूँगा।
तो अभी उनका एक रिएक्शन, उनका एक्शन, उनका जो भी रिव्यू है वो भी पूछते हैं कि भाई कैसा लग रहा है अभी चला के ट्रेनर। भाई साहब मज़ा आ गया यार, मतलब लिटरली ये जो साउंड कर रही है ना अच्छी कर रही है। ओह माय गॉड, दैट द रिएक्शन लेवाई सिस्टम। तो भाई समझ लो कि हम लोग सिस्टम कहाँ कहाँ बोलते रहते हैं। भाई पीछे जो बैठते हैं उनके मजे रहते हैं, अपना तो कंसंट्रेशन जो रहता है वो थोड़ा थोड़ा राइडिंग पे रहता है, बट पीछे से लोग एंजॉय करते हैं भाई राइड को और आसपास के माहौल को। भाई साहब छोटा सा गेट टुगेदर था अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिल लिया है। बाकी अभी थोड़ा बिजी थे आकाश भैया अपने कुछ काम में, इसलिए रिव्यू अभी हम लोग ले नहीं पाए टेनार का, तो वो ले लेंगे बाइक के साथ लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसे सिसिर? तो अभी सिसिर को बाय बोल देते हैं क्योंकि अभी यहाँ बिट्टू जी आ चुके हैं और बिट्टू जी अपने हैरियर से हैं, तो सिसिर साथ में चल जाएगा और अभी हमें निकलना है अपने घर। तो भाई थोड़ा सा राइड का मज़ा लेते हुए इधर से हम लोग निकल जाएंगे घर, आगे से चलेंगे राज, ठीक है ना? ठीक है चलो बाय। और अब भाई जो हवा है वो थोड़ी ठंडी हो चुकी है, मतलब नॉर्मल हो गया, अब गर्म हवा नहीं है, तो राइड करने का भी मज़ा भी आएगा। तो डिसाइड किया अभी हम लोग ने ही कि आगे तक चलते हैं, आगे से तो रिटर्न हो जाएंगे। राज को आ जाने देते हैं यार, राज भी पीछे नहीं रहता। और ये देखो निकल गया आगे। ओ भाई साहब मज़ा आ गया, मतलब थोड़े दूर की खाली पैस थी तो हमने अपना फुल थ्रॉटल चेक कर लिया, बट यहाँ से अभी हम लोग आराम से चलेंगे। भाई स्पीड तो मज़ा आता है बट कंट्रोल भी रहना ज़रूरी है, तो अब यहाँ से आराम से चलेंगे भाई। अब आराम का मतलब भाई ये मत कहना कि अभी भी तुम 100 पे ही चल रहे हो। भाई देख लो सामने का रोड आपको दिख रहा होगा, आपको ट्रैफिक दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, मुझे कहाँ तक विजिबल है और कहाँ तक लोग हैं या नहीं है रोड पर वो मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं। और जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि यहाँ थोड़ी ट्रैफिक है तो हम लोग खुद मेंटेन कर लेते हैं अपनी स्पीड को। सुकून है यार, हाँ तो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि फिर आपको पता है हैंडल के साथ क्या होगा, बट यार चला के मज़ा आ गया। मतलब ये जितने दिनों की थकान होती है, वर्कलोड होता है, सारा प्रेशर रिलीव कर देता है यार, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।
बाकी ये बंदा पीछे नहीं रहने वाला है। भाई सूज भी सेम पहन रखा है। तो गाइस अभी एक बीटी हो चुका है। मैंने कुछ पीछे रिकॉर्ड किया था यार, मैं सोचा कि कैमरा ऑन है बट कैमरा ऑन ही नहीं था। अब कौन सी पार्ट गई वो मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे पीछे कुछ लड़कों की चलान हो रही थी एंड जिस समय हम लोग जाने के टाइम पे देखा था ना चेकिंग थी, बस वैसे ही चेकिंग थी अभी भी उधर। और मैं वही बता रहा था कि मतलब अगर रूल बनते हैं तो भाई सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, बायस रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार अगर उनके चलान हो रहे हैं और एक बंदे ने हेलमेट लगा रखा था, उसे हेलमेट उतरवा के उसकी फ़ोटो ली जा रही थी, तो भाई जब एक हेलमेट लगा रखा है और दूसरे नहीं लगाया, ठीक है भाई रूल वो डिफ़ॉल्टर है, ठीक है आपने उसका चलान किया, बट ये रूल आपके लिए भी फॉलो होता है। अगर आप वैसे चल रहे हो तो फिर आपको भी चलान देना पड़ेगा और इसके लिए तो कुछ एक्शन लेना चाहिए यार। मुझे नहीं पता बट करना तो पड़ेगा कुछ ऐसा, ताकि मतलब एक आम जो आदमी है बस उसे हैरास नहीं किया जाए। बाकी गलती उनकी थी, मैं उसे हैरासमेंट भी नहीं कहूँगा, बट रूल शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। और भाई उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हमारे साथ होता है या फिर जो कॉमन मैन चलते हैं उनके साथ होता है। अगर वो पे कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो भाई आप भी दो, सीधी बात। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं लेके चलेंगे, मे बी ये 7 to 8 मिनट या 9 मिनट्स की वीडियो होगी, ब्लॉग होगी, तो भाई इन्जॉय करना। बाकी कैसा लगा आज का ब्लॉग ये मुझे ज़रूर बताना। और भाई अगर कुछ नए तरीके के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं और क्या नया दिखा सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश करने की, सो गाइस मैं अपने साइड से ट्राई करूँगा कि मैं उस चीज़ को आपको शो कर पाऊँ जो कि आपकी डिमांड होगी। तो चलो कमेंट में बता देना यार कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अब किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना आपको बताइए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।